बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों इस कार्यक्रम में। आज एक दुख भरी खबर हमको सुबह सुबह मिली है, जो स्वर कोकिला भारत की बहुत बड़ी गायिका और जिनके वजह से हम विश्व में भी जाने जाते हैं। हम बाहर जब भी जाते हैं किसी विदेश में, हम रेस्टोरेंट में भी हम होते हैं तो वहां पर भी लता जी के गाने हमको सुनने को मिलते हैं। ऐसा कम ही होता है कि हिंदी गानों में लता जी के गाने जो है वो रेस्टोरेंट में, विदेशों में भी, विश्व के कई देशों में वो सुने जाते हैं। और आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गई है, लेकिन उनकी जो आवाज है वो हमेशा हमारे बीच रहेगी, हमेशा हमारे बीच बरकरार रहेगी। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। और इस आवाज को हमारे देश में ही नहीं, कई विदेशों में भी, पूरे विश्व में पहचाना जाता है और उनको जाना जाता है। हम आज उनको याद करेंगे। हमारे बीच तीन मेहमान हैं और आप सबका हम स्वागत करते हैं। राजेश ढाबरे जी हैं जो कि संगीतकार हैं और उन्होंने लता जी से भी गवाया है अपने एल्बम में, उस पर उसका जिक्र हम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका इस कार्यक्रम में। राजेश ढाबरे जी, राजेश जी वो पहला समय था, पहली बार लता जी ने वो त्रिशरण गाया था। यूं तो देखा जाए कि हमारे महाकवि वामन दादा कर्डक हमेशा वो चाहते थे कि लता जी बाबा साहब के गाने गाएं और बाबा साहब पर लिखे हुए जो गीत हैं, जो उन्होंने खुद भी लिखे थे और कई लोगों के वो गीत चाहते थे कि लता जी गाएं, वो उनके पास गए, उनसे मिलने गए और उन्होंने उनसे अनुरोध किया था। लता जी ने उनको उनका बहुत अच्छा आतिथ्य किया, लेकिन उन्होंने उन गीतों को गाने से मना किया। और बाद में नामदेव ढसाल हैं और कई लोग जो हैं, राजा ढाले जी हैं जो कि बहुत अच्छे कवि, उन्होंने भी उनसे अनुरोध किया, मगर उन्होंने वो अनुरोध नहीं मांगा था। मगर आपने जब अनुरोध किया उनसे त्रिशरण गाने का, उन्होंने मान लिया और वो एक एल्बम बना सिद्धार्थ द लोटस। ये किस तरह से हुआ, हम इस पर आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू सुधीर। सर्वप्रथम मैं उनको आदरांजलि देता हूँ। भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे संगीत को नहीं बल्कि हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। उनके स्वर द्वारा, उनके संगीत का जो उनका समर्पित भाव रहा है, जो सेवा है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा भारतीय होगा जिसका लाइफ लता जी के गाने से इन्फ्लुएंस नहीं है। कोई भी घड़ी हो, दुख हो, सुख हो, कोई भी हो, उसमें लता जी का गाना बजता है और इस तरह से वो हमारे जीवन का हर पल का हिस्सा है। और आज इस दुनिया से वो रुखसत हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आपका जो सवाल था उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो पर्सनल जो अनुभव है वो बहुत ही सुखद है जी। क्योंकि मैंने उनको ये दरख्वास्त की थी कि हम ये त्रिशरण आपसे गवा रहे हैं, जो कि बाबा साहब ने जो संपूर्ण मानव जात को मुक्ति का और आनंद का मार्ग और सुख का मार्ग भगवान बुद्ध के जरिए दिया है, और उनके आंदोलन का सही मकसद यही है, इसमें समता, न्याय, बंधुता, ये उसका बॉटम लाइन हो, बेस लाइन हो जी। और बुद्धम सुधरम गच्छामि में ही उनके लाइफ का आखिरी मकसद है कि, तो इस बात को उन्होंने बड़े गौर से सुना, समझा और शी वॉज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। और मैं आपको तहे दिल से कह सकता हूँ कि मेरा जो उनके साथ मेरी मुलाकात जी, और एक गाने का रिकॉर्डिंग, गाने के प्रैक्टिस का एक आपके पास फोटो भी है जी, वो बहुत ही एक लोभनीय, स्मरणीय है और एक कैसा एक लेजेंडरी किस तरह से अपना ऑरा अपने साथ कैरी करते हैं। इतनी विनम्रता उनके कंडक्ट में थी, बातों में थी, एक्सप्रेशंस में थी, और मुझ जैसा जैसा कलाकार के तौर पे देखा है तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे मेरा स्वागत किया, मुझे बिस्किट खिलाया तो
बहुत ही सुंदर अनुभव था. तो एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट एंड आई थिंक आई रिसीव्ड इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स फ्रॉम हर. तो बेसिकली बुद्ध के विचार जो भी उनको ज्ञात हो गए मालूम हो गए उनसे वो प्रभावित हुई और मैंने कहा कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है. तो बहुत ही अच्छा अनुभव था और गाने का रिकॉर्डिंग पूरे उस वक्त हुआ. जी 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 तो वो त्रिशरण जो उन्होंने गाया था आपके पास इस वक्त साज भी है और आवाज भी है, तो हम चाहेंगे कि आप वो तीन लाइनें जो हैं वो सुना दें. जो आपने किस तरह से उनको क्या होता है संगीतकार जो होता है जब संगीत रचता है तो वो निश्चित रूप से एक तरह से डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर डायरेक्ट करना उनको किस तरह से कैसा अनुभव था डायरेक्ट करने का? नहीं वो हारमोनियम पे हमने एक उनको मेरे ख्याल से वो अहिर भैरव में ही था जी. और एक बार हमको सुना, एक बार मेरी आवाज में एक ट्रैक उनको जरूर पहुंचा था जी और विद कोरस भी था उसमें. एंड फिर हारमोनियम पे हमने एक बार स्वर देख लिया था उनके हाथ में, फिर वो उद्यम सर हमको चाहिए मेरे हाथ से लिखा हुआ ही उनके पास हो गया था बिकॉज वो प्रोनाउंसिएशन एकदम स्पष्ट आने चाहिए करके. जी 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 तो एक बार हमने थोड़ा सुर देख लिया था, उनको तो कोई जरूरत नहीं है सुर देखने की, बट मेरे लिए वो मौका हो गया कि मैं हारमोनियम पे बैठा हूँ और लता जी अपने वो लिरिक्स लेके बैठी है और मुझे सुन रही है. दैट इट विल बी सच अ सच अ रिकॉर्ड इन माय लाइफ, आई थिंक अनबीटेबल रिकॉर्ड हो गया मेरे लिए. और मैं उद्धव शरण में ऐसा गाऊ, चूंकि वो गीत नहीं है त्रिशरण है एक बुद्ध पूजा के लिए, तो आज इस मौके पर गाना भी ठीक है या नहीं है ऐसा मेरी दरख्वास्त है कि हम उद्धव शरण कक्षा में इसमें ना गाए क्योंकि राजेश जी क्या कहना चाहेंगे आज वो हमारे बीच नहीं है, एक संगीतकार के तौर पर ये किस तरह का खालीपन आप पाते हैं? खालीपन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हमने वो महसूस भी नहीं करना चाहिए बिकॉज उन्होंने इतने गाने और इतनी स्वर रचनाएं को अपनी आवाज दी है. तो वो हमारा जीवन पूरा भर के संगीत से भर के उसको उभार के उसको सवार के गई है, सिर्फ उनका शरीर मात्र गया है जी. और वो हमारे बीच हमेशा रहेगी. तो खालीपन शब्द मुझे लगता है कि मैं पर्सनली यूज नहीं करूंगा, लेकिन उनका खास जो ये रहा है कॉम्बिनेशन विद मदन मोहन, ये अपने आप में एक मेंशन करने वाली बात है कि मदन मोहन जी के साथ उन्होंने सोची समझी रचनाएं मदन जी ने उनसे गवाई है. इनफैक्ट ऑल द सॉन्ग्स, बहुत मैक्सिमम सॉन्ग्स लता जी से मदन मोहन जी ने गवाए और एक अलग ही वो संगीतबद्ध किए हुए गाने हैं जिसमें मुझे याद है एक वो है तू जहां जहां चलेगा जी जी ये जी. या फिर मदन मोहन के जितने भी गाने हैं काल जी रचना है ये तो. आज सोचा तो आंसू भरा है जरा सियाहट होती है, आई मीन अल्टीमेट सॉन्ग्स है और वो सिर्फ लता जी ही निभा सकती है. ये संगीतकार की जो सोच है उस संगीतकार को समझना कि इस धरती पे लता जी जैसा एक एक मोहरा है, एक 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 ज्वेल है, एक हीरा है जिसके आवाज को अगर न्याय देना है तो किस तरह से रचना की जाए, किस तरह से स्वर लगाए जाए जो सिर्फ लता जी ही गा सकती. वाकई तो ये भी मैं समझता हूँ कि अजरामर रचनाएं हैं और लता जी ने हर गाने को बड़ी खूबी से निभाया. जब उनको कहा गया कि आप आइटम टाइप सॉन्ग जो फास्ट गाने या वो नहीं गाते तो पिया तू अब तो आजा टाइप गाने उन्होंने गाए हैं, और जब ये कहा जाता है कि एक्सप्रेशन में आप आशा जी से 19-20 है क्या, तो हम जब आशा जी जब लता जी गाने सुनते हैं तो उन्होंने अपने स्वर के ऊपर जो पक्का निर्धार करके स्वर को जो निभाया है उसी से उन्होंने अपना एक्सप्रेशन क्लियर किया है. आप कोई भी रेयर गाना भी लीजिए, तेरा मेरा साथ रहे ये गाना लीजिए उनका, ठीक है, चला भी आजा रसिया लीजिए, इनके बहुत सारे गाने जो लक्ष्मण परलाल जी के हैं, आरडी के गाने लीजिए, किशोर जी के साथ जो बेहतरीन गाने हैं आंधी के वगैरह, उसमें उन्होंने अलग से एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, उसके स्वर को ही निभाया है. एक्सप्रेशन के स्वर को निभाना की जो बात है वो लता जी का हुनर है, दैट इज स्पेशलिटी एंड दैट्स व्हाई वो लता जी है. दो लाइनें आपसे भी सुनना चाहेंगे किसी गीत की जो आपको बहुत पसंद. गाना अभी यहाँ पर ये है आकांक्षा, लेकिन मैं देखता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल और ये गाने के बाद मुझे जरा इजाजत दीजिए क्योंकि बिल्कुल 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 मेरा साया साथ होगा, मेरा साया
कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तुझे दरुख करेगा। थैंक यू। वाह, बहुत ही शानदार। और इस गीत के साथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, और इसके साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने लता जी को याद किया और हम आज उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं, और आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।